Hey guys, welcome to my this YouTube channel Trading Secrets. So guys, in today's video we will see ki how we can do a some passive type of trading. Like if you don't have a time to trade in the market, or maybe you are office going person, or ya aap dusra kuch kaam bhi apna businesses karte ho, but you still want to make some income from trading, then in this video we will see how you can make a passive income by using some algo trading platform, right? So usse pehle agar mere channel pe naye aaye ho to maine bahut sari video option trading, algo trading related banayi hai, to aap jaake explore kar सकते हो। बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो आप जाके चेकआउट कीजिए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए उससे पहले मैं अपने वीडियो में आपको लेके चलता हूँ बेसिकली। सो गाइस देखो सिंपल सा फंडा है बेसिकली। मार्केट में क्या है ना, आपको बैठे बैठे ट्रेड करोगे तो इट हाई प्रोबेबल कि आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट कर लोगे, बट मैं आपको कहूँगी आपको बस मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी है, वो भी ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक आपके बिहाइव पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेगा, एक्सिट करेगा, एंटर करेगा, स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा, सब कुछ करेगा। बस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ओपन योर डीमैट अकाउंट एंड जस्ट एग्जीक्यूट योर स्ट्रेटेजी, विच इज अ फुल्ली ऑटोमेटेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी, और इसको एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी कह सकते हो। बेसिकली मैं ये जो स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं फिन निफ्टी में आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्यों फिन निफ्टी? क्योंकि देखो फिन निफ्टी जो इंडेक्स है ना, वो भी नया नया इंडेक्स है, इसको रिसेंटली हार्डली एक साल भी नहीं हुआ मार्केट में आए हुए। सो मतलब फिन निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक साल भी नहीं हुआ आए हुए, एंड यू कैन सी कि इसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। सो अगर बेसिकली दिस इज अ ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, राइट, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी इसमें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो एक सेलिंग स्ट्रेटेजी, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। सो बेसिकली ऑप्शन सेलर मेक अ ह्यूज प्रॉफिट व्हेन देयर इज अ थीटा डीके, ओके, जहाँ पे वॉलेटिलिटी कम है। सो ऑफकोर्स फिन निफ्टी में थोड़ी वॉलेटिलिटी कम है एज कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, सो यहाँ पे आपको थीटा डीके अच्छा खासा मिल सकता है, राइट। तो चलिए आप वीडियो में चलते हैं, मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा कि हम इस वीडियो में कैसे एक पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी अच्छे खासे रिटर्न्स के साथ। एंड ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज कितना कैपिटल चाहिए। देख गाइस, फॉर मी, मैं ये स्ट्रेटेजी पर्सनल यूज करता हूँ, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 5 to 6 lakh कैपिटल फॉर दिस स्ट्रेटेजी, और मैं इसको 10 lots में करता हूँ। मैं क्यों 10 lots में कर रहा हूँ और क्यों मैं इतना कैपिटल लेके चल रहा हूँ, बिकॉज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माई प्रॉफिट इज वेरी हाई। मेरा ट्रेड फेल भी होगा तो भी मैं अच्छा खासा एक मेजर पोर्शन ऑफ माई पार्ट ऑफ द मनी मैं लॉस नहीं कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेज है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग माई टारगेट हिट इज मोर। वो आपको सबको समझ में आएगा, अभी आपको सुनने में लग रहा है ऐसे कैसे पॉसिबल है 5 से 6 lakh में आपकी इतनी अच्छी सक्सेस रेट है, विन रेट है। देखो आप स्ट्रेटेजी देखो, उसके बाद आपको पता लगेगा, आपको डाटा के थ्रू मैं बताऊंगा कि क्यों इतनी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, राइट। तो ऑफकोर्स 10 lots में कर सकते हैं, 5 to 6 lakh का कैपिटल चाहिए इसमें, 5 lakh बेसिकली चाहिए अगर 10 lots फिर निफ्टी में करना है ऑप्शन सेलिंग में। ये बेसिकली स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी, राइट, लेकिन मैं किस तरीके से स्ट्रेडल को एग्जीक्यूट करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको इस स्ट्रेटजी दिखाऊंगा स्टॉक मॉक के थ्रू। तो मैं अपना स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म खोल लेता हूं। सो गाइस, दिस इज माय स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म। अभी यहां पे क्या करना है, देखो फिन निफ्टी आपको लेना है, यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा फिन निफ्टी। यहाँ पे फिन निफ्टी पे क्लिक कर दीजिए, फिन निफ्टी आ गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे कॉल को सेल करना है यहाँ पे, और एक पुट को सेल करना है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फिन निफ्टी या FN मतलब फिन निफ्टी का सेल किया, ATM कॉल एंड पुट को सेल किया, ओके। और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कितना, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 40%, राइट, 40%। सो ऑफकोर्स एक अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, और उसके बाद टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मार्केट में एंट्री लूंगा कब, 10 बजने पे, जैसे ही मार्केट एक घंटे बाद जब मार्केट एक अपना जो हाई वोलेटिलिटी फेज होता है शुरू के हाफ एन आवर वो एंड करने के बाद में, मैं 10 बजे एंट्री लूंगा और मैं एग्जिट लूंगा ऑलमोस्ट 15 मतलब एंड ऑफ द मार्केट, जब मतलब मान लीजिए 3:15 पर, बिकॉज 3:20 पर ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देता है आपका डीमैट ब्रोकर, अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते तो 3:15 पर मैं एग्जिट ले लूँगा, राइट। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, और मैं स्ट्रेटेजी को नाम दे देता हूँ, राइट। तो मैं स्ट्रेटेजी को नाम दे देता हूँ बेसिकली व्हाट, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी। अब मैंने स्ट्रेटेजी में किया क्या है, राइट, तो चलिए मैं स्ट्रेटेजी को, मैंने ऑलरेडी बना के देखी स्ट्रेटेजी, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अभी देखो आपने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की तो इससे हाई प्रोबेबल की मार्केट आपके दोनों स्टॉप लॉस हंड कर दे, राइट। तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा फीचर इसने दिया है, वो दिया है मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपने स्ट्रेडल लिया, राइट, यहाँ पे स्ट्रेडल लिया और यहाँ पे मान लो आपने 100 rupees की प्रीमियम दोनों बेचे, तो 140 इज माई स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू 40%। तो अगर एक मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, तो दूसरे लेग का जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, वो है ना इसके कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, राइट। और जब मार्केट रिवर्स भी होगा तो मुझे जो लॉस होगा ना वो 40% होगा, जो एक लेग का प्रीमियम उतना ही लॉस होगा, मैं सफर करूंगा, दोनों दोनों लेग का स्टॉप लॉस मेरा
हंड नहीं होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर इन द फर्स्ट स्ट्रेटेजी वी आर डूइंग स्ट्रेडल विद 40% स्टॉप लॉस एंड मूविंग अवर स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट ऑफ द अदर लेग वेन एवर अवर स्टॉप लॉस इज हिट ऑफ द एनी वन लेग राइट. और मार्केट का टाइमिंग है 10 बजे मैं एंट्री लूंगा और 3:15 पे एग्जिट कर दूंगा राइट. अब इस स्ट्रेटेजी को मैं कब करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ. उससे पहले मैं एक सेकेंड स्ट्रेटेजी करूंगा. अब ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपने बताई है ना, ये मैं ट्यूजडे के दिन नहीं करूँगा, एक्सपायरी डे के दिन मैं स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय नहीं कर रहा हूँ. बिकॉज एक्सपायरी डे में क्या होता है ना, 40% लाइक प्रीमियम सबसे पहले कम होंगे. ओके, लाइक एक्सपायरी दिन के दिन क्या होता है, हार्डली इफ आई रिमेंबर कि 40 रुपीज के प्रीमियम होंगे और 40 रुपीज का मैं स्टॉप लॉस करूंगा तो ये ऑलमोस्ट 56 का स्टॉप लॉस इधर हो गया, इधर 56 का स्टॉप लॉस हो गया. सो इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ही हिट करेगा राइट. तो मैं इस केस में क्या करूंगा यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस में चेंज कर दूंगा ओनली ऑन द एक्सपायरी डेज. यहाँ पे मैं 80% स्टॉप लॉस रख दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 80% मैंने स्टॉप लॉस रख दिया एक्सपायरी दिन के लिए. एक्सपायरी क्या होता है फिर निफ्टी का ट्यूजडे के दिन. तो ट्यूजडे के दिन मैं ये ओनली स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करूंगा, वो है 80% स्टॉप लॉस की. और सेम टू सेम है मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट, 10 AM में घुसूंगा, 3:15 में निकलूंगा. और ये मेरे ट्यूजडे के दिन मैं ऐसे करूंगा. ट्यूजडे के दिन क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको रीजन बता दिया, बिकॉज प्रीमियम आर वेरी लो सो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी के स्टॉप लॉस हिट होगा. सो दैट्स द रीजन वी आर टेकिंग ओनली 80% स्टॉप लॉस राइट. अब मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कितना हमें इस प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से हमें प्रॉफिट हुआ. सो बेसिकली गाइस 10 लॉट्स ले रहा हूँ मैं दोनों ही लेग में. देखो ये स्ट्रेडल, इस स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ. देखो इस स्ट्रेटेजी में मैंने क्या किया, फिन निफ्टी के ATM कॉलर पुट्स बेचे हैं. ओके, मूव स्टॉप लॉस टू द कॉस्ट एक फीचर यूज किया एंड 40% मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है और 10 AM पे मैं एंट्री करूंगा एंड 3:15 में मैं इससे निकल जाऊंगा बेसिकली. ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट लेग का, ये है मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो मैं करूँगा. सेकंड स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं हटा देता हूँ. देखो ये मैं ओनली वेनेसडे के ट्यूजडे के दिन कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि उस दिन एक्सपायरी डे. तो इस दिन मैंने क्या किया कि यहाँ पे 40% जगह 80% स्टॉप लॉस ले लिया एंड सेम टू सेम वही मेथड यूज़ किया जो मैंने अर्लियर स्ट्रेटेजी में किया था. वो बस यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा 80% हो गया राइट. इसको भी मैं अपडेट कर देता हूँ. एंड वन मोर थिंग गाइस, अब ये जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना, ये कब कब करना है, एवरी रोज नहीं करना है. देखो अगर ट्यूजडे को एक्सपायरी है, ओके मैं आपको चीज़ बता दूँ. देखो ट्यूजडे को एक्सपायरी है, कोई भी इस इंडेसिस की फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है ट्यूजडे को. अगर ट्यूजडे को एक्सपायरी है ना तो मंडे को थीटा डे के मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा. ट्यूजडे को मिलेगा, वेनेसडे को मिलेगा क्या थीटा डे, क्योंकि वेनेसडे से हमारी नई एक्सपायरी चालू होगी और फर्स्ट डे एक्सपायरी का. सो हमें यहाँ पे वेनेसडे को थीटा डे के नहीं मिलेगा राइट. हाई लो प्रोबेबिलिटी तो मैं वेनेसडे को स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय नहीं करूंगा. फ्राइडे के दिन नहीं करूंगा, सैटरडे के दिन तो नहीं करना है. थर्सडे के दिन मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली थर्सडे के दिन क्या निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी डे होता है. तो ऑफकोर्स इट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो थीटा डीके करे, तो दैट्स अ रीजन यहाँ पे फिर निफ्टी में थर्सडे को भी मुझे थीटा डीके मिलता है. तो बेसिकली मैं 1 वीक में 4 दिन में स्टेट, और यहाँ पे ऑफकोर्स ट्यूजडे को भी नहीं कर रहा, क्योंकि ट्यूजडे को मैं ये 80% स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ. तो बेसिकली मैं हफ्ते में 3 ही दिन इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हो मेरा ब्रोकरेज भी कितना बच रहा है. मंडे के दिन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उस दिन थीटा डीके मुझे मिलेगा बिकॉज वन डे बिफोर एक्सपायरी. ट्यूजडे के दिन कर रहा हूँ राइट, 80% स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूँ राइट. थर्सडे के दिन कर रहा हूँ, 40% स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूँ. और मंडे के दिन भी ऑफकोर्स 40% स्टॉप लॉस के साथ कर रहा हूँ. तो आई होप मैं आपको मेरा मेथड समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूँ राइट. और मैं अभी ये बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको कब से, जब से फिन निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट में आए हैं तब से मैं दिखाता हूँ, विच इज़ ऑलमोस्ट 19th of October. ओके, 19th of October से फिन निफ्टी के ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स मार्केट में आए तब से लेके अब तक. टुडे इज ऑलमोस्ट 28th of April, तो 28 अप्रैल तक मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि हमने कितना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया राइट. अगर ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे स्ट्रेडल बेच रहा हूँ. तो ऑफकोर्स एक स्ट्रेडल को बेचने के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख चाहिए, नो डाउट. 1 लाख रुपीज़ चाहिए, 1 लाख रुपीज़ आपके डीमैट अकाउंट में, तब जाके आप 1 लॉट में कर सकते हो राइट. ओके, मैं यहाँ पे 10 लॉट्स ले रहा हूँ तो ऑफकोर्स 10 लाख रुपीज़ चाहिए, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 6 लाख. तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, और मैं क्या कहते हैं मार्जिन बेनिफिट उठाऊंगा कि मैं एक आउट ऑफ द मनी के इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ऑफकोर्स आउट ऑफ द मनी के भी मैं बाई कर सकता हूँ. तो मैं आउट ऑफ द मनी के 2 लाख कॉलर पुट के बाई कर लूँगा, सो डैट आई कैन गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर मार्जिन. That's the reason I can get an extra margin benefit where we can deploying a strategy under the capital of 6 lakh, right? अगर मैं इसको back test करूँ यहाँ पे, देखिए रन मैंने बैक टेस्ट. आई होप मैं आपको समझ में आ रहा हूँ कि मैं स्ट्रेटेजी में क्या बताना चाह रहा हूँ. इट्स बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग, आपको मैनुअली भी कर सकते हो बट आप एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू करिए इस स्ट्रेटेजी को. टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजी है विद 40% स्टॉप लॉस ऑन द मंडे एंड ट्यूजडे, मंडे एंड थर्सडे, एंड 80% स्टॉप लॉस ऑन द ट्यूजडे. ट्यूजडे के दिन क्यों 80%, बिकॉज प्रीमियम्स आर लो एंड
अगर आप 40% स्टॉप लॉस रखेंगे तो हाई प्रोबेबिलिटी के मार्केट हमेशा मेरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो 80% इज फेयर इनफ स्टॉप लॉस फॉर ट्यूजडे। अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे वन मोर थिंग कि अगर जब एक लेग का मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं अदर लेग का जो स्टॉप लॉस है वो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊंगा, सो डेट कि अगर मार्केट रिवर्स भी हुआ तो मुझे एक ही तरफ का लॉस दिखाई देगा। तो मेरा बैक टेस्ट भी हो गया गाइस, अब से लेकर ऑलमोस्ट 7th month हो चुके हैं और मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे प्रॉफिट देखो आप कितना तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, राइट। यू कैन चेक वी मेड ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 4,85,000 जिसमें से मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है 45,000 जो कि किसी एक्सपायरी के दिन हुआ होगा, नो डाउट ट्यूजडे के दिन। एंड यू कैन सी द विन रेट इज 75%। यू कैन सी द दिस इनॉर्मस रिजल्ट गाइस। एंड यहाँ पे मेरा ऑफकोर्स मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है 41,000, तो मैंने इसीलिए मैंने 6 लाख कैपिटल लेके गया। एक्चुअली ये आपका जो 10 लॉट्स के साथ है ना, अगर आप मार्जिन बेनिफिट लोगे ना तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय हो जाएगी, बट 1.5 लाख मैंने एक्स्ट्रा लिया है वाई बिकॉज दिस ड्रॉ डाउन फेज। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, राइट। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर डोंट कंसिडर दिस एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट ऑफकोर्स ड्रॉ डाउन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। एंड यू कैन सी माई एवरेज मंथली प्रॉफिट इज 75,000, ऑल द स्टेट्स यू कैन चेक। मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 21,000 का हुआ है। एंड यू कैन सी मैक्सिमम लॉस ट्रेक इज 3, बट द मैक्सिमम विनिंग स्ट्रेटजी इज ट्रेड। ये जो मोटिवेट करता है ये इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए, राइट। अब मैं मंथली मंथ देखूँ तो देखो मंथ वाइज दिखाऊँ मैं यहाँ पे आपको, तो यू कैन चेक कि दिस स्ट्रेटजी से हमने अक्टूबर में 27,000 बनाया, राइट। ओके, ऑफकोर्स इसमें से कुछ ब्रोकरेज भी घटेगा, बट ब्रोकरेज बहुत ही कम। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम ओनली हफ्ते में 3 दिन ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा महीने में कितना हो गया, 14 से 15 ट्रेड हो गए, तो हार्डली 4 से 5 हज़ार ब्रोकरेज जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, राइट। तो वी आर ऑन अक्टूबर वी मेक सच टाइप ऑफ प्रॉफिट, ओके। ऑन हाइएस्ट प्रॉफिट हमने फरवरी में बनाया, एंड एज यू कैन, फरवरी वाज अ ह्यूज वॉलेटाइल मंथ, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर इन द ड्रॉडाउन फेज, बट स्टिल इन विद दिस हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेटजी वी मेक ऑलमोस्ट प्रॉफिट अबव 1 लाख रुपीज़। एंड दिस अप्रैल मंथ इज गोइंग वी मेक ऑलमोस्ट 52,000 रुपीज़, ओके। सो ये स्ट्रेटजी में एवरी मंथ यू आर मेकिंग अ यूज मनी, राइट, नो डाउट। अगर कैपिटल आपका 6 लाख है ना, तो आप देख लो आपका कितना ROI जा रहा है हर महीने, राइट। Always remember, you have to put an extra amount for a drawdown phase. So, मैंने यहाँ पे almost 1 lakh capital drawdown के लिए रखा है, and you can use this strategy in the algo trading platform, right? आप algo के through इस strategy को deploy कर सकते हो, जहाँ पे आपको enormous result मिलेगा, no doubt, and it will automatically create your passive income. Like passive income ही है ना, मैंने कुछ basically मैंने ना तो कुछ analyze किया charts में, ना मैंने support resistance draw किया, मैं आया 10 बजे, okay, मैंने अपना trade execute किया और 3:15 पे automatically मेरा square off हो गया, right? And we make whatever profit or loss we suffer, it's simple as that. And you can also check out all the days, okay, पूरे के पूरे आप दिन देख सकते हो कि हर दिन कैसा परफॉर्म किया अपनी स्ट्रेटजी में। यू कैन चेक आउट ईच एंड एवरी स्ट्रेटजी कि हमने 22 अक्टूबर को इतना प्रॉफिट अर्न किया, राइट। एंड अगर मैं आपको मंडे के दिन दिखाऊँ, लाइक ऑन इफ अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, कि मैं अगर ट्यूजडे के दिन ही ये स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करूँगा, ट्यूजडे के दिन आऊँगा मैं 80% स्टॉप लॉस रखूंगा, बस एक ही दिन मुझे हफ्ते में करना है, तो स्टिल यू विल मेक ऑलमोस्ट 1,70,000। You can check in the span of 6 months. This is that days almost 24 trading days. 20 में winning में 4 में lose, 24 winning days में. You can see how much expiry day has given me huge profit. क्यों हो रहा है? Because फिर निफ्टी अभी मार्केट में आए तो ये इतना volatile नहीं जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे ठीक ठीक मुझे मिल रहा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वट आई एम ट्राइंग टू से, इतना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। एंड यू कैन चेक अगर आप ट्यूजडे को भी करें तो एवरी मंथ वी आर मेकिंग इन द 20K या 50K, 20K, 11K, 36K, 18K, एवरी मंथ वी आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको समझ में आएगा कि आप कैसे ट्रेडिंग के थ्रू भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, राइट। सिंपल एंड यूनिक स्ट्रेटजी, ओके। एंड ट्रस्ट मी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट स्ट्रेटजी मार्केट में वर्क नहीं करती है। मेक योर स्ट्रेटजी एज सिंपल एज दैट एंड इट विल मेक यू यूज रिटर्न, लाइक। ओके गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। एंड